हजरत सैयद बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्ला अलैह के 72वें उर्स पाक का आगाज होते ही उर्स पाक कमेटी द्वारा शहर में भव्य शाही संदल निकाला गया। इस मौके पर मटका पार्टी और बैंड की धुन पर शहरवासियों के साथ बाबा के आस्थाने पर चादर पेश की गई। दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित हजरत सैयद बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्ला अलैह के 72वें उर्स पाक के मौके पर 5 दिवसीय भव्य आयोजन में बुधवार की शाम खादी में आस्थाने से शाही संदल बड़े ही शान और शौकत के साथ निकाला गया। इस दौरान सालाना उर्स पाक कमेटी के सदस्यों और शहर की जनता के साथ शहर का गश्त करते हुए दरगाह औलिया में पहुँचा, जहाँ सभी ने बाबा की दरगाह पर चादर शिरनी पेश कर सभी की सलामती की दुआएं की। इस दौरान शहर में निकले शाही संदल में घोड़ी की सलामी आकर्षण का केंद्र रही। शाही संदल में शामिल सभी घोड़े एक के बाद एक अपना जौहर दिखाते हुए बाबा के आस्थाने तक पहुंचे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा के उद्देश्य को लेकर मनाया जा रहे इस एकता उर्स में कौमी एकता की मिसाल साफ नजर आई। उर्स पाक से 72 साल से भी बिखर रही है मजहबी एकता, प्रेम और सद्भावना की खुशबू, जिसके चलते 5 दिवसीय उर्स पाक प्रोग्राम में बुधवार की शाम शाही संदल की रस्म के साथ गुरुवार की रात से शानदार हिंदुस्तान के मशहूर कव्वालों के द्वारा 3 दिनों तक जंगी मुकाबले का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर सालाना उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा और जनरल सेक्रेटरी रऊफ कुरैशी ने सैयद बाबा के 72वें उर्स पाक पर पहुंचने वाले जायरीनों से अपील की। उन्होंने दरगाह में चल रहे निर्माण तामीर कार्य पर अपना सहयोग करने की भी अपील की। ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।